फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैंने ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि हम निकल रहे हैं करौली सरकार के लिए। मेरी बहन और मेरी मम्मी और मैं, हम तीन लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हो, मेरी बहन भी सामान पैकिंग कर रही है और मैंने सामान सब पैकिंग कर लिया है। और ये कह रही है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये नहीं कह रही, इसके ऊपर का प्रेत कह रहा है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है करौली सरकार के लिए। कितने दिन से हम लोग करौली सरकार के बारे में सोच रहे थे, जाएंगे जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पा रहे थे। बाबा ने वो भी करवा दिया। फिर उसके बाद छोटी मोटी अड़चने, तबीयत खराब होना, अलग अलग चीजें हो रही थी, तो बाबा ने सब कुछ ठीक करवा दिया है। देखो, सारा सामान मैंने पैकिंग करवा के रख दिया हुआ है। अब मेरी मम्मी भी ये मम्मी अपना बाल बनाने जा रही है और ये मेरी बहन है, आ नहीं रहे हैं। और अब हम निकलेंगे। अब मैंने सोचा कि घर से निकलते हुए एक वीडियो बना लेती हूँ, और जो मैं लंबा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि अभी क्या है कि जब घर पर रहती हूँ तो वीडियो बना बना के अपलोड भी कर लेती हूँ, लेकिन अभी ट्रेन का सफ़र रहेगा तो वीडियो ज़्यादा मैं बना के अपलोड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाते रहूँ और आप लोगों को बताते रहूं कि कहां तक पहुंची, क्योंकि मेरा एक तरह से एक मेरा सपना था जो सपना मेरा पूरा हो रहा है। बाबा बहुत जल्द ही 1.5 महीने के अंदर ही, मैं 1.5 महीने से बाबा का वीडियो देख रही हूं और 1.5 महीने के अंदर ही बाबा मुझे अपने पास बुला लिए हैं। और ये मैं दरवाजे के गेट के बाहर आके बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और अब घर से अभी 7:30-8 बज गया है, तो 8:30 बजे हम निकल जाएंगे घर से। फिर जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ से हमको 2 ट्रेन पकड़नी पड़ती है। एक ट्रेन पकड़नी पड़ती है हमको, जो लास्ट ट्रेन है 9:30 बजे की, जो हमारे यहाँ से पहुँचेंगे। फिर उसके बाद वापी स्टेशन है गुजरात में, वापी पड़ता है। फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे फिर डायरेक्ट करौली सरकार। और आज भी पूरी रात जाएगी, फिर कल का पूरा दिन, फिर कल का भी पूरी रात जाएगी, और परसों 5 बजे तक कानपुर स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। और बाबा के दर पे हम लगभग 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे। कितनी खुश हूँ मैं, बहुत बता नहीं सकते कितनी खुश हूँ। मेरा बहुत बड़ा ये 1.5 महीने के अंदर एक सपना सजा था कि काश कैसे मैं वहाँ पे पहुँचूँ। बहुत हाथ पैर मार ली दीपावली में, मैं दीपावली के टाइम पे मैंने पक्का ही कर लिया था कि मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, लेकिन ना पैसे की वजह से नहीं जा पाई वहाँ पे। लेकिन सब कुछ बाबा ने ठीक कर दिया। देखो, ये जो मेरे घर में ये बच्चे हैं ना खरगोश के, देखो ये घर के बाहर निकलना चाहते, बाहर जाएंगे ना तो फिर हमको ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बाहर कुत्ते कुत्तों का डर रहता है ना, दरवाजा लगा देती हूँ, जा नहीं पाएंगे लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा मैंने वीडियो बना दिया। अब जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचूँगी तब मैं एक वीडियो बना के डालूंगी। फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते रहेगा वैसे वैसे मैं वीडियो बना के डालती रहूंगी।